गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक विशेष प्रकार की सेल होती है, कोशिका होती है, जो कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ये पाई जाती है। मुख्यतः जो प्लेटीहेलमिंथीस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है, जो कि उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है और उन सभी ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स किडनी की तरह काम करती है और बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको रिमूव करने का कार्य करती है। इस तरह से जो ज्वाला कोशिकाएं या जो फ्लेम सेल्स होती है वो एक तरह की उत्सर्जी प्रकार की सेल्स है, जो शरीर से विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करती है। इस चित्र में देखिए कि शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें ये फ्लेम सेल्स बॉडी से बाहर रिमूव करती है। फ्लेम सेल्स एक तरह से मेसेनकाइम सेल्स का रूपांतरण होता है और ये फ्लेम सेल्स मेसेनकाइम में ही धंसी रहती है। और फ्लेम सेल्स एनिमित आकार की सेल्स होती है जिसके चारों तरफ अनेक सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इस चित्र में देखिए, ये एक फ्लेम सेल्स है जिसके चारों तरफ अनेक प्रकार के सूडोपोडिया या कूटपाद होते हैं, जो कि आसपास जो मेसेनकाइम है उसमें ये सभी स्यूडोपोडिया धंसे रहते हैं। और मेसेनकाइम से ये स्यूडोपोडिया जो एक्सक्रेटरी जो सब्सटेंस होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन्हें एकत्रित करके और इस सेल के साइटोप्लाज्म में डालती है। यानी ये फ्लेम सेल्स के चारों तरफ पाए जाने वाले जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये चारों तरफ जो मेसेनकाइम है उस मेसेनकाइम में उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उत्सर्जी पदार्थों को ये साइटोप्लाज्म में डाल लेते हैं, यहाँ डाल लेते हैं। इस तरह से ये सेल एक एनिमित आकृति की सेल होगी जिसके चारों तरफ अनेक ये कूटपाद या सूडोपोडिया होते हैं, जो कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इस सेल के मध्य में एक बड़ी केविटी है, या यूं कहें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। ये जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस कहलाता है और इस स्पेस में अनेक सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया हैं और इन सीलिया का जो ओरिजिन है वो यहाँ बेसल ग्रेन्यूल्स से होता है। ये यहाँ बेसल ग्रेन्यूल्स हैं जहां से ये सीलिया इंट्रासेलुलर स्पेस में निकले हुए हैं। और यदि इस लिविंग सेल्स को माइक्रोस्कोप में इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ये सभी सीलिया जो हैं वो फ्लेम की तरह हिलते हुए दिखते हैं। इसी कारण इस सेल का नाम फ्लेम सेल्स होता है। और ये सभी सीलिया यहाँ बेसल ग्रेन्यूल से निकले हुए हैं और ये जो बाहर का जो भाग है ये साइटोप्लाज्म होता है, या यूं कहें कि फ्लेम सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसके परिधीय भाग पर होता है। बीच में ये कैविटी होती है जहां पर अनेक ये सीलिया है और साइटोप्लाज्म में अनेक उत्सर्जी गोलिकाएं या एक्सक्रेटरी ग्लोब्यूल्स पाई जाती हैं, जिनको ये स्यूडोपोडिया हैं वो इकट्ठा करते हैं। ये यहाँ सारा का सारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में ही परिधीय भाग पर बड़ा इसमें न्यूक्लियस भी होता है। और इस तरह से ये जो सेल है वो ये कैविटी के द्वारा और कैपिलरी डक्ट से ये जुड़ी रहती है। इस तरह से प्लेटीहेलमिंथीस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें सभी में उत्सर्जी अंग के रूप में फ्लेम सेल्स होती है, जो एक्सक्रेशन का उत्सर्जन का काम करती है, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने का काम करती है। और ये मेसेनकाइम का ही मॉडिफिकेशन है ये सेल, जो कि एक एनिमित आकृति की होती है। इसमें बीच में जो बड़ी केविटी है इस केविटी में अनेक सीलिया हैं और ये सीलिया जो है वो जीवित सेल को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये सभी सीलिया फ्लेम की तरह बीट करते हुए दिखते हैं, इस कारण इस सेल को हम फ्लेम सेल्स कहेंगे।
इस चित्र में फिर से देखिए कि एक फ्लेम सेल्स जो होती है उसमें स्यूडोपोडिया है, ग्लोबुल्स ऑफ एक्सक्रेशन, बेसल ग्रेन्यूल्स भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और ये सीलियरी जो फ्लेम है वो है, और ये कैविटी से जुड़ी हुई जो टर्मिनेशन है ये जो कैपिलरी डक्ट से जुड़ता है, ये भी फ्लेम सेल्स जिसमें बीच में फ्लेम को दिखाया गया है। ये साइटोप्लाज्म हो गया चारों तरफ या न्यूक्लियस हो गया, ये बेसल ग्रेन्यूल्स होगी जिससे सीलिया निकलते हैं, और ये यहाँ उत्सर्जी गोलिकाएं या ग्लोब्यूल्स, ये सीलियरी फ्लेम हो गया, और इधर ये डक्ट है जो कि आगे कैपिलरी डक्ट से जुड़ती है। ये फेसियोला हिपेटिका जो कि प्लेटिहेलमिंथिस फाइलम का मेंबर है, उसमें इस तरह से पूरी बॉडी में मेसेनकाइम में ये फ्लेम सेल्स है वो पाई जाती है जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। ये भी इस एनिमल में पाई जाने वाली फ्लेम सेल्स जिसमें बीच में ये सीलिया, ये सीलरी फ्लेम हो गया। इस तरह से हमने देखा कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि प्लेटिहेलमिंथिस के जो सदस्य होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की सेल्स होती है, उन्हें हम ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स कहते हैं।